नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोट चैम्बर के बारे में। जो फ्लोट चैम्बर होता है, जो कि कार्बोरेटर के अंदर यूज़ होता है, उसका क्या काम होता है। जो मेन काम होता है फ्लोट चैम्बर का, वो होता है मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ फ्यूल। तो ये कांस्टेंट लेवल को मेंटेन रखता है, जो हमारा फ्यूल होता है, जो हमारा फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में आता है, तो उसका एक कांस्टेंट लेवल ये बना के रखता है, ताकि जो कार्बोरेटर है वो प्रॉपर तरह से वर्किंग कर सके। तो कार्बोरेटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं हम वो देख लेते हैं एक बार, जो हमारा फ्लोट चैम्बर है वो क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये चीज़ पूरी, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, ये वाले फ्लोट चैम्बर है। तो फ्लोट चैम्बर क्या है, एक तरफ से जो इसका एक वेंट होता है, ये एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर है उसके साथ कनेक्ट होता है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसका सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि जो कार्बोरेटर काम करता है वो प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है, जो फ्यूल को वो सप्लाई करता है। तो इसलिए इसको जो ये वेंट दिया गया है, एटमॉस्फेरिक के साथ ये कॉन्टैक्ट किया गया है, ताकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें बना रहे इसके सरफेस के ऊपर। अब देखिए यहाँ से जो फ्यूल आता है, जो फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है, तो यहाँ से वो पहले तो पास करता है स्ट्रेनर से। तो यहाँ पे लगा होता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का क्या फंक्शन है कि उसके अंदर अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो उनको वो रोक लेता है। तो ये आगे जाता है फ्लोट चैम्बर में। तो फ्लोट चैम्बर में देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये फ्लोट है। फ्लोट यानी कि एक चीज़ जो तैर रही है, इसके अंदर फ्लोट कर रही है, तो ये फ्लोट है। इसके साथ यहाँ पे ये जो है फ्लोट वाल्व लगा है, ये फ्लोट वाल्व है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता है जैसे ही ऊपर उठता है, यानी कि बिल्कुल इसके सामने आता है तो ये बंद हो जाता है। और जब ये इसके अंदर मान लीजिए फ्यूल लेवल कम होगा, जब आपका कार्बोरेटर आगे फ्यूल को सप्लाई देगा, जो फ्यूल की सप्लाई देगा जो इंजन सिलेंडर है उसको, तो यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो फ्लोट आपका नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो ये वाल्व फिर ओपन हो जाता है और जो फ्यूल की सप्लाई है फिर इसके अंदर आ जाती है। यानी कि एक कांस्टेंट जो लेवल है वो मेंटेन रखता है ये फ्लोट चैम्बर। तो ये कांस्टेंट लेवल इस तरह का, इतना ये लेवल मेंटेन रखेगा। जब इसमें कम होगा तो यहाँ से फ्यूल सप्लाई आ जाएगी, और जब जैसे ही यहाँ पर मेंटेन होगा तो ये वाल्व यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेंटेन रखता है। अब देखिए जो फ्लोट चैम्बर है, फ्लोट चैम्बर आगे कनेक्ट होता है हमारा, जो हमारे इंजन सिलेंडर पे जहाँ पे फ्यूल जा रहा है, एक तरफ होता है हमारा जो कि है चोक होती है, चोक जिसको हम बोलते हैं, जैसे सर्दियों में जिसका यूज़ करते हैं। जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसको क्लोज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने चोक लगा दी। तो चोक लगाने का क्या मतलब है कि हम एयर की सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो यहाँ से एयर आती है, वैसे ये ओपन रहती है तो एयर आती है। जब एयर आती है तो यहाँ पे क्या है, वेंचुरी सेक्शन है, यहाँ पे वेंचुरी है। वेंचुरी यानी कि जो एरिया है यहाँ पे, देखिए ये कम कर दिया गया है, यहाँ पे इसका जो पैसेज था यहाँ पे कम कर दिया गया है, ताकि जो एयर आए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए। जब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एक सक्शन इफेक्ट यहाँ बनेगा, यानी कि कम प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, वैक्यूम यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ये वैक्यूम का क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी ज़्यादा है, तो यहाँ से जो फ्यूल है वो यहाँ से इस तरह से सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बन चुका है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्यूल सप्लाई होगा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका बनेगा। यहाँ पर लगा है थ्रोटल वाल्व, इसको हम थ्रोटल वाल्व बोलते हैं। थ्रोटल वाल्व को अकॉर्डिंग टू स्पीड हम कंट्रोल करते हैं, जितनी स्पीड होती है अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो वैसे ही ओपन होता चला जाता है, और ये यहां से फिर जाती है इंजन सिलेंडर के अंदर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। तो फ्लोट चैम्बर का मेन जो फंक्शन है इसके अंदर, कि कांस्टेंट लेवल मेंटेन रखना है जो कि फ्यूल का है, ताकि वो इसको कांस्टेंटली प्रॉपर वर्किंग उसको सप्लाई करता रहे, फ्यूल को सप्लाई करता रहे। अब इसके अंदर देखिए यहां पे जो ये नोजल है, इसका जो सरफेस एरिया है, ये देखिए ये सरफेस है, ये से बिलो रखा गया है जो लेवल है, ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। जैसे जब हमारा जो इंजन है वर्किंग में ना हो तो यहाँ पे लीकेज ना हो, ऑटोमेटिकली अगर हम इसका जो लेवल है ऊपर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूल है लीकेज ना होता रहे। तो नो वर्किंग कंडीशन के लिए इसका जो लेवल है ये नीचे रखा जाता है इस नोजल के मुंह से, तो ये नीचे रखा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा एक कांस्टेंट जो हमारा सप्लाई होता रहता है फ्यूल। तो ये था हमारा फ्लोट चैम्बर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।